फिर से आ गया है कोरोना। घर पर रहने में ही है सबकी भलाई। अब आपको मेडिकल स्टोर पर लंबी लाइन में नहीं लगना। बिग ब्लिस लेकर आएगा 10 मिनट में आपके घर पर दवाई। बिग ब्लिस, खुशियों की अपनी दुकान। वाणिज्य मंत्री पीयूष गोयल का मानना है कि चालू वित्त वर्ष में 650 बिलियन डॉलर के एक्सपोर्ट का लक्ष्य आसानी से हासिल किया जा सकता है। निर्यातक समुदायों को संबोधित करते हुए पीयूष गोयल ने उन्हें पूर्ण समर्थन का भरोसा दिलाया और कहा कि 31 मार्च 2022 को समाप्त हो रहे वित्त वर्ष में देश का गुड्स एक्सपोर्ट 400 बिलियन डॉलर और सर्विस एक्सपोर्ट के लिए 250 बिलियन डॉलर का लक्ष्य आसानी से हासिल किया जा सकता है। एक्सपोर्ट प्रमोशन काउंसिल को संबोधित करते हुए पीयूष गोयल ने कहा कि जनवरी महीने में 15 तारीख तक निर्यात का आंकड़ा 16 अरब डॉलर तक पहुंच चुका है। पीयूष गोयल का कहना है कि चालू वित्त वर्ष के लिए 650 अरब डॉलर का निर्यात लक्ष्य हासिल होने योग्य है। उनका कहना है कि उत्पादों का निर्यात आंकड़ा 400 अरब डॉलर पहुँचने की गुंजाइश है और सेवा क्षेत्र का निर्यात भी 250 अरब डॉलर तक पहुंचने की कोशिश होनी चाहिए। उन्होंने एक्सपोर्ट प्रमोशन काउंसिल यानी EPCs को भरोसा दिलाया कि अगले वित्त वर्ष में कहीं ऊंचा निर्यात लक्ष्य हासिल करने के लिए सरकार उनको पूरा समर्थन देगी और उनके मुद्दों को सुलझाने के लिए कदम भी उठाएगी। पीयूष गोयल ने कहा है कि देश के सर्विस एक्सपोर्ट में IT सेक्टर का बड़ा योगदान होता है। इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी सेक्टर की मदद से देश के सर्विस एक्सपोर्ट को आने वाले दिनों में 1 ट्रिलियन डॉलर तक पहुंचाया जा सकता है। हालांकि इस लक्ष्य को पाने में एक दशक का वक्त जरूर लगेगा। उन्होंने IT इंडस्ट्रीज के उस प्रस्ताव का स्वागत किया जिसमें कहा गया था कि देश के टायर 2, टायर 3 शहरों को नया IT हब बनाना होगा। इससे रोजगार में भारी उछाल आएगा। आपको बता दें कि इंजीनियरिंग, कपड़ा और रसायन जैसे क्षेत्रों के बढ़िया प्रदर्शन के कारण दिसंबर 2021 में देश का निर्यात सालाना आधार पर 38.91% बढ़कर 37.81 अरब डॉलर हो गया। हालांकि दिसंबर में ही व्यापार घाटा बढ़कर 21.68 अरब डॉलर हो गया। इन आंकड़ों के मुताबिक दिसंबर 2021 में आयात 38.55% बढ़कर 59.48 अरब डॉलर हो गया। वहीं अप्रैल से दिसंबर 2021-22 के बीच निर्यात 49.66% बढ़कर 301.38 अरब डॉलर हो गया। आंकड़ों के मुताबिक इस अवधि के दौरान आयात 68.91% बढ़कर 443.82 अरब डॉलर हो गया, जिससे व्यापार घाटा 142.44 अरब डॉलर हो गया था। वाणिज्य मंत्रालय ने एक बयान में कहा है कि दिसंबर 2021 में व्यापारिक निर्यात 37.81 अरब डॉलर था, जो दिसंबर 2021 में 27.22 अरब डॉलर था। यह 38.91% की सकारात्मक वृद्धि दर्शाता है। ब्यूरो रिपोर्ट, मार्केट टाइम्स टीवी।